नमस्कार दोस्तों, ममता डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लाजो जो पहनते हैं, जो लूजिंग एकदम कंफर्ट रहता है, तो मैं वो 2 मीटर सलवार कपड़े में प्लाजो बताऊंगी। तो देखिए 2 मीटर है और या उससे थोड़ा कमी है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसमें देखिए फुल घेर वाली आपको प्लाजो बताऊँगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। कि मैं ये कपड़ा लिया है, तो ये देखिए इसको मैंने इसे ऐसे किनोर साइड लंबाई की साइड इसको फोल्ड कर लिया है। ये 40 से भी थोड़ा कम है, ये 2 मीटर से भी थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद इसको 4 लेयर में कर लूँगी, एक बार इस तरीके से फोल्ड करूँगी जैसे अपन कुर्ती में करते हैं। तो इसमें क्या है कि लंबाई में बिल्कुल सही से निकल आता है, फुल लंबाई का भी आराम से निकल जाता है इस तरीके से कटिंग करने से। तो देखिए इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए आप, जैसे अपन कुर्ती को सेट करते हैं। मैंने इस तरीके से इसको बिछा लिया है। अब अपन की लंबाई है 36 इंच, 36 इंच में अपन 2 इंच का बेल्ट रखेंगे। तो 36 इंच में जब 2 इंच का बेल्ट रखेंगे तो ये हो जाता है अपना 38 इंच, 38 इंच में अपन 1.5 इंच नीचे सिलाई के लिए लेंगे। तो 1.5 इंच जब सिलाई के लिए लेंगे तो ये होता है 39.5 इंच। अब देखिए अपने पास कपड़ा भी इतना ही अवेलेबल है, ज़्यादा नहीं है, तो देखिए ये अपना आ रहा है 39 से थोड़ा ज़्यादा। तो अपन इसको पूरा रख लेते हैं, अपन हिसाब से फोल्ड कर लेंगे जो भी अपना आएगा। अपन को 36 रखना है तो ये 39 बैठ रहा है अपना, तो थोड़ा कम कपड़े में भी बना सकते हैं अपन एडजस्ट करके। ये देखिए अब अपन मोटाई देखते हैं हिप की। तो मेरी हिप की मोटाई है 38, हिप की मोटाई है 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग होगा। तो देखिए 9.5 आता है चौथाई भाग, इसमें 3 प्लस कर लेंगे, 9.5 की जगह आप 10 ही ले लीजिए, क्योंकि इतना इसमें थोड़ा लूजिंग ही सही लगता है, तो 10 इंच में अपन 3 लूजिंग के लिए लेंगे। तो देखिए अपन इसको 13 इंच ले लेते हैं, इस तरीके से मैंने 13 इंच ले लिया है। यहाँ पे 13 इंच लेके अब अपन देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का 2 इंच का लूजिंग छोड़ के अपन पट्टे जो लगाएंगे ऊपर फोल्डिंग के लिए उसको छोड़ के अब 15 इंच का आसन लेना है। ये तो ऊपर फोल्डिंग में चला जाएगा अपना कपड़ा, और देखिए अपन को 15 इंच का आसन लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे भी अपन को वही 13 इंच देखना है, और 13 इंच के बाद अपन को 2.5 इंच इस तरीके से लेना है, क्योंकि जब आसन में बैठने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, तो इस तरीके से 2.5 इंच लेंगे और इसको ऐसे ही गुलाई में देना है। ये गुलाई की शेप दे दिया। अब देखिए नीचे आप कुछ भी कितना भी घेर ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसको पूरा रंग भी रख सकते हो, इसको कम भी ले सकते हो, आप जितना पहनना पसंद करें उस हिसाब से ले सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे 18 इंच ले रही हूँ थोड़ा सा छोड़ के, या फिर आप पूरा भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, मैं इतना ले रही हूँ। इसको आराम से फुल घेर हो जाएगा इसमें, ये देखिए। कुछ भी नहीं करना है, बस इसको कट कर देना है, इसको यहाँ से खोल लेंगे। ये थोड़ा छोटा बड़ा है, उसको अपन सही कर लेंगे।
करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट करना है। उसके बाद अपन को देखिए इसको यहाँ से अपन खोल लेते हैं। पहले यहाँ पे जॉइंट नहीं आता, इस तरीके से काटने पे यहाँ पे जॉइंट नहीं आता। जब अपन टू फोल्ड्स में काटते हैं इसको तो यहाँ पे जॉइंट आता है। आप इस तरीके से काटिएगा, यहाँ बिल्कुल भी जॉइंट नहीं आएगा। अभी के पहले इनको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिलाई दे लेंगे, फिर इनको मैं आपको स्ट्रेचिंग करूंगी तब बताऊंगी। अपन इसको अपन रख देते हैं अभी फिलहाल में। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसी में फोल्डिंग भी आ गया है अपना, इसी में नीचे भी फोल्डिंग आ गया है और अपना प्लाजो कट के एकदम रेडी हो गया है 2-3 मिनट में। तो इसकी स्ट्रेचिंग करते हैं। अब देखिए प्लाजो की सिलाई करने से पहले अपन को सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो होता है अपना आसन वाला भाग, इसको दोनों साइड से जोड़ लेंगे। देखिए ये साइड भी अपना ऐसे मिला लीजिए दोनों को। अब दोनों साइड से इस तरीके से इसको आधा इंच की सिलाई के साथ सिल लेंगे। देखिए पहले मैं सिल लेती हूँ। मैंने एक साइड ऐसे सिलाई दे ली है, दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई दे लूंगी। देखिए ये दूसरी साइड भी। अब अपन ये जो पार्ट्स होते हैं ये बीच से पकड़ा दोनों को, दोनों भागों को इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे ये सिलाई दे देंगे। देखिए ये जो वाली सिलाई है उसको इस तरीके से मिलाया और ये वाली सिलाई दे देंगे। दोनों पार्ट्स को उठा के बीच में ले लिया है अपन ने। आप फिर से चेक कर लीजिए, मेरा इस तरीके से था दोनों साइड और मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ ये वाली सिलाई है दोनों साइड की, तो इस तरीके से इन दोनों को मैंने मिला दिया है। अब देखिए मिलाने के बाद इससे पहले अपन एक और काम करेंगे, इस पे एक साइड लेके सिलाई मारेंगे, नहीं तो ये अपना हट जाएगी सिलाई और ये बहुत जल्दी फट जाएगा। तो देखिए अपन इसको किसी भी साइड रख के, एक साइड रख लो किसी भी साइड और इसके ऊपर सिलाई लगाओ ताकि ये सिलाई अपनी जल्दी लिए। तो सिलने का बहुत ही आसान तरीका है ये, किसी भी तरह की लंबाई का बना सकते हो आप। इस तरह कटिंग करके और इस तरह सिलोगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी कि ना। इस तरीके से सिलाई दे ली है। सिलाई देने के बाद अब अपन इसको उल्टा लेंगे क्योंकि अपन धागा इसको कट करेंगे। अब देखिए इस तरीके से पकड़ के और आपको
कुछ नहीं करना है, 1 इंच की सिलाई के मार्जिन से इस हिसाब से यहाँ पे सिलाई दे लेनी है। देखिए इस हिसाब से यहाँ पे सिलाई दे लेनी है, तो इसकी सिलाई दे लेते हैं। काफ़ी अच्छा घेरा आया है इसमें, आप इसकी सिलाई दे लीजिए पहले। का घेर वाला हिस्सा है उसको अपन 1 इंच में फोल्ड करेंगे, तो अपन को देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। एक बार लिया और दोबारा ऐसे पलट देना है। प्लाजो में ज़्यादा बड़ी लेयर नहीं बनती है, ये पतली वाली फोल्डिंग होती है तो ये अच्छी लगती है। दूसरे मोरी को भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से दूसरे भाग को भी अपन ने फोल्ड कर लिया है नीचे से। अब देखिए अपन ने ये 2 इंच का मार्जिन लेके और यहाँ पे पट्टे के लिए रखा था, तो आप इसको फोल्ड कर लीजिए। ऐसे हल्का सा अंदर देना है 1/2 इंच और फिर 1.5 इंच का अपन को ऐसे पट्टा रखना है। और इस तरीके से मशीन को वापस बैक लूँगी, तो आप देखिए इस तरीके से क्या करना है आपको, ताकि आप कोई भी चीज़ डालो तो गैप रखना चाहिए। मैंने यहाँ पे आप गैप छोड़ दिया है ये वाला, तो आप इस तरीके से गैप छोड़ दीजिए। अब देखिए अपन इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी सी टाइम लगी है, एकदम परफेक्ट प्लाजो बन के रेडी हो गया है। अब अपन इसमें इलास्टिक डालेंगे, आप कुछ भी डाल सकते हो। देखिए इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी।